हाई एवरी वन वेलकम टू बा सो टूडे प्रॉब्लम लिट कोड प्रॉब्लम नेम इज लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फोन लिट कोड सेवनटीन ओके तो ये प्रॉब्लम आपको लिट कोड का मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मेरा सजेशन यही रहेगा कि इससे मिलता जुलता एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जो है लीट कोड का परम्यूटेशन्स बोल के लीट कोड परम्यूटेशंस लीट कोड फोर्टी सिक्स परम्यूटेशंस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा तो पहले आप ये वीडियो देखिए क्योंकि इस ये जो मैं वीडियो में इस वीडियो में बहुत डिटेल से क्या क्या कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन किया हूँ इसके ही कोड को मैं थोड़ा सा बस चेंजेस करूँगा आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम टू टू नाइन इंक्लूसिव रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट रिटर्न द एंसर इन एनी ऑर्डर ओके तो पहले हमको बोल रहे हैं कि मेरे पास एक स्ट्रिंग दिया जाएगा जिसके अंदर दो से नौ टू से नाइन तक सारे डिजिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं टू और नाइन ये दोनों भी रहेगा ओके okay? इनमें से क्या बोले रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट रिटर्न द एंसर इन एनी ऑर्डर तो ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली जो 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 स्ट्रिंग लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आपको रिटर्न करना है ठीक है तो हम पहले देख लेते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए मैपिंग ऑफ डिजिट्स टू लेटर्स इज गिवन बिलो तो आपको दिख रहा होगा नोकिया का एक ये नोकिया का एक जो स्क्रीनशॉट शॉट है टीपैड लॉर्ड नोकिया सुप्रीमेसी तो ठीक है चलिए देखते हैं तो एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टू टू यानी ए बी सी थ्री थ्री यानी ये जो नंबर है डी ई एफ फोर जी एच आई जो तो सोचिए कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो ऐसा कुछ है टू फोर ओके तो टू बेसिकली मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी सी फोर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी एच आई तो इन दोनों को मिला के ये जो दो स्ट्रिंग है इनको मिला के मेरा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ए जी ए एच ए आई बी जी बी एच बी आई सी जी सी एच सी आई ठीक है बेसिकली मेरे को कॉम्बिनेशन पूछा है मेरे को ये नहीं पूछा कि परमोटेशन नहीं पूछा जब परमोटेशन पूछेगा तो मेरे को ये भी ये भी इस एंसर के अंदर मेरे को देना हो कि जी ए एच ए आई ए समझ रहे हो लेकिन लेकिन यहाँ पे बस मेरे को क्या बोला है कि परमोटेशन सॉरी कॉम्बिनेशन मेरे को यहाँ पे बस प्रिंट करना है तो मेरे को ये आंसर मेरे को प्रिंट करना होगा ये सारे एक एक स्ट्रिंग है एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हिसाब से मेरे को ये आंसर अभी प्रिंट करना है ठीक है तो आई गेस आपको प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगी प्रॉब्लम क्या कह रहा है और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से सोचिए कि मेरे पास क्या है फिफ्टी सिक्स है तो फाइव यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है जे के एल सिक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है एम एन ओ तो मेरे पास जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा मेरे पास जो आंसर होगा वो होगा जे एम जे एन जे ओ के एम के एन के ओ एल एम एल एन एल ओ ठीक है ये बेसिकली मेरे पास आंसर होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें तो मैं ये वीडियो थोड़ा फास्ट रखूंगा इसलिए क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिपीटेटिव स्टेप्स को मेरे को बोल के फायदा कुछ है नहीं इससे बढ़िया आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वीडियो परमुटेशन का जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो वीडियो आप पहले एक बार देख लीजिए उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए अगर आपको और डिटेल मतलब उसको अगर और डिटेल पे इसको समझना है तो नहीं तो ठीक है चलिए देखते हैं कि तो ये प्रॉब्लम पहले ही बता दो कि ये प्रॉब्लम क्या, क्या कह रहा है कि ऑल द परमोटेशन मेरे को रिटर्न करना है ऑल कॉम्बिनेशन मेरे को रिटर्न करना है ठीक है मेरे को प्रॉब्लम बोल रहा है ऑल कॉम्बिनेशन रिटर्न करो तो जब मैंने ये बोला कि uh, मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगा जब भी मेरे को ऑल द वेज ऑल कॉम्बिनेशन या फिर ऑल परमोटेशन ऐसा कुछ अगर मेरे को वर्ड देगा उसी केस में आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये बैक ट्रैकिंग है उसी मोमेंट पे आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये बैक ट्रैकिंग है क्यों है पहले तो ये पूछ रहा है कि ऑल द वेज उसके साथ यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं कुछ रूल्स हैं कुछ बाउंडिंग फैक्टर्स हैं जब भी ऐसा कोई केस आए कि ऐसे ऑल द वेज ऑल द कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ पूछ रहा है या फिर उसके साथ रूल्स भी आपको दिख रहा है तो आप हमेशा सोचिएगा कि मेरा प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व होगा बैक ट्रैकिंग से ही सॉल्व होगा ये आप इसी इसी केस में मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिफिकेशन है ठीक है ओके तो जब बैक ट्रैकिंग से सॉल्व होगा तो पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने क्यों बोला कि ये परमुटेशन का इक्वल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये दोनों इक्वल कैसे है कि ये जो मेरा जो पिछला जो परमुटेशन था ये कैसे काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है अपना जो ये जो सवाल है दिस क्वेश्चन ओके ये मैं कैसे कह रहा हूँ देखिए परमुटेशन में मेरे पास इनपुट क्या था मेरे पास एक वेक्टर इनपुट था वन टू थ्री सोचिए कि ये मेरा वेक्टर था तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि इससे जितना सारा परमुटेशन बन सकता है मैं मेरे को वो बेसिकली दिखाना है ठीक है और इसी क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन हो रहा है मेरे पास बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग गिवन है एक नंबर का स्ट्रिंग गिवन है सोचिए कि टू थ्री गिवन है लेकिन एक्जैक्टली टू थ्री मेरे को गिवन नहीं है मेरे को क्या गिवन है टू के कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन टू का कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री का कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग गिवन है तो जो भी हो मेरे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी कुछ एक एरे गिवन है इस एरे को भी मैं एज ए स्ट्रिंग भी तो मान सकता सक क्योंकि ये भी तो एक लीनियर टाइप का ही कोई सिक्वेंस है और सी में स्ट्रिंग और एरे का बहुत वेक्टर का बहुत सारा मिलता जुलता चीज है कि सी में आप स्ट्रिंग में पुश बैक पॉप बैक कर सकते हैं वेक्टर में भी पुश बैक पॉप बैक ये दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं तो ठीक है तो मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट दे रहा है तो वो पहले ही बोल दिया कि ए बी ए बी सी और डी ई एफ एक स्ट्रिंग दे रहा है यहाँ पे भी मेरे को क्या बोल रहा था कि ऑल परमुटेशन रिटर्न करो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है मेरे को कि सारे combinations तुम करो कहीं 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 ना ना पे कुछ combinatorics का चीज़ हो रहा है मतलब मेरा जो क्वेश्चन जो ask कर रहा है वो भी same है। मेरा जो output मेरे से मांग रहा है कि पूरा एक मांग रहा है मैंने क्या बोला स्ट्रिंग इज बेसिकली यहाँ पे आप इंट तो मेरे पास क्या है कि इनपुट भी लगभग लग गिवन लग है मतलब मैं इसको एज ए मैप का अगर मैं देखूं कि इसको मैप करके यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बन गया ठीक है इनपुट भी लगभग सेम है आउटपुट भी सेम है क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो भी सेम है तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों प्रॉब्लम मिलता जुलता है ओके okay? तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करें जैसे परमुटेशन के केस में क्या हुआ था कि मेरे पास एक दो तीन गिवन था और मेरे पास मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ जिस वेक्टर के अंदर मैं अपना वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या था मेरा जो फर्स्ट मेरा जो मैं परमुटेशन का अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि परमुटेशन में क्या कर रहा था उसी वहां से ही मैं इस क्वेश्चन का जो इंटुशन है वो मैं निकालूंगा तो परमुटेशन में मेरा क्या कहता था कि मेरे का जो मेरे जो फर्स्ट फर्स्ट जो यहाँ पे सेल है वहाँ पे डालने के लिए मेरे पास क्या था मैं इसको भी डाल सकता था इसको भी डाल सकता था इसको भी डाल सकता था वन भी डाल सकता था टू भी डाल सकता थ्री भी डाल सकता था मेरे पास ये ऑप्शन था जब मैं सेकंड में भी जा रहा हूँ सेकंड में भी क्या होता था कि मेरे पास इसी फैक्टर में से कोई एक कोई एक कोई एक मतलब इसी वेक्टर में से मेरे को कोई एक डेटा पुट करना था चाहे मतलब यहाँ पे जो पुट कर उसको मैं दोबारा पुट नहीं कर सकता जो कि मैं यहाँ पे भी सेम कंडीशन है यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कहीं पे ए ए एक साथ नहीं लिखा अगर मैं इसका आंसर देखो या फिर मैं जहाँ पे यहाँ पे इसका जो मैंने आउटपुट बोला यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जे जे ऐसा करके लिखा हूँ ऐसा तो नहीं है मतलब कोई डुप्लीकेट यहाँ पे भी नहीं है ठीक है तो इसका जो मेरा जो पहला रूल था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग का कि यहाँ पे नो डुप्लीकेट होगा वो डुप्लीकेट रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है

तो हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जैसे मेरा जो गिवन वेक्टर है थर्ड के लिए भी सेम वेक्टर से ही डेटा पुट करना है okay? ये था मेरा permutation में. लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात बदल जा रहा है, है? देखिए सोचे की सोचे की स्ट्रिंग का लेंथ मेरा फोर है फोर है मतलब मेरे पास कोई फोर गिवन है जो सोचे कि मेरा जो गिवन नंबर था वो टू थ्री फोर सिक्स है क्लियर तो ये मेरे पास जो गिवन नंबर है तो क्या हो रहा है कि मैं इस पहले इंडेक्स में पहले इंडेक्स में टू का करेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग है टू का कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या है ए बी सी टू का कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या है ए बी सी क्या कह रहा है कि ये जो फर्स्ट सेल में जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तब ए बी सी के अंदर कोई ना ओ बी सी के अंदर में से ही कोई एक को मेरे को यहाँ पे बैठाना है ऐसा नहीं कि कोई थ्री या फिर फोर ये जो ये जो स्ट्रिंग को मैप कर रहा है वहां से कोई कैरेक्टर लेना है मेरे को फर्स्ट सेल में क्या हो रहा है कि ए बी सी से ही मेरे को कोई एक लेना है सेकंड सेल में जब जा रहा हूं तो यहाँ पे सेकंड सेल का मतलब क्या है थ्री है यहाँ पे यहाँ पे सेकंड पोजिशन में क्या है थ्री है यहाँ पे भी सेकंड सेल में सेकंड सेल अभी मेरे को फिलअप करना है तो थ्री का कोरिस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन सा स्ट्रिंग है डी ई एफ तो डी ई एफ में से मेरे को क्या करना है डी ई एफ में से ही कोई एक को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ मैं ए बी सी से किसी एक को लेकर यहाँ पे नहीं फिल कर सकता ठीक है फिर क्या है मेरा फोर

आई होप आपको बात पूरा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चेंजिंग क्या हो रहा है यहाँ पे चेंजिंग कोड का कंडीशन ये सब कुछ एक होगा यहाँ पे सेम फॉर लूप सब कुछ इक्वल रहेगा जो हम परमुटेशन में किए हैं इवन बेस केस भी एकदम सिमिलर रहेगा बस चेंज क्या हो रहा है कि हर एक पोजिशन पे जो हम डेटा फिल कर रहे हैं परमुटेशन का जब सवाल था तब मेरे पास जो गिवन डेटा था वो वन टू थ्री ही मैं यूज कर सकता था जो मेरे पास गिवन बेसिकली वेक्टर था ओके okay? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है मैं यहां पर एबीसी से कोई एक पुट कर सकता हूँ लेकिन दूसरे में एबीसी से नहीं पुट कर सकता इस कॉरेस्पॉन्डिंग इस, पोजिशन इस में क्या है यहाँ पे थ्री है तो थ्री के कोरेस्पॉन्डिंग जो मेरा स्ट्रिंग है उसी से मेरे को कोई एक लेना होगा बेसिकली हर एक जगह पे जो गिवन मेरा जो स्ट्रिंग है या फिर गिवन मेरा जो वेक्टर टाइप का कुछ है वो चेंज होगा ठीक है बस इतना सा को चेंज है इस केस में और कुछ नहीं है

मेरे को एक मैपिंग लेना होगा तो ये मैपिंग के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ मैं अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकता हूँ क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप यूज करना मतलब आप कोई एरे भी यूज कर सकते हो आप अगर पाइथन में यूज करते हो तो टाइप का भी यूज कर सकते हो या आपकी मर्जी आप क्या यूज करोगे एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मेरे को मैप करना है बेसिकली तो मैं पसंद करता हूँ मैं अनऑर्डर्ड मैप से ही मैं मैं करूंगा तो अनऑर्डर्ड मैप से मैं कैर कॉमा स्ट्रिंग और क्या उसका मैं नाम दे रहा हूँ एम पी बेसिकली प्लस में करूंगा तो मैं एक मैप ले ले रहा हूँ ठीक है उस मैप के अंदर मैं हर एक जगह पे ऐसे स्टोर कर दूंगा कि मैप ऑफ एम पी टू इक्वल टू ए बी सी थ्री इक्वल टू डी तो ऐसे करते करते मैं अल्टीमेटली एम पी नाइन तक आऊंगा और यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा मेरे पास जो भी बच रहा है डब्ल्यू एक्स वाई ओके क्लियर तो ये बेसिकली मेरा हो गया मैपिंग और एक चीज मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा ग्लोबली मैं क्यों डिक्लेयर करूंगा ताकि इसको मेरे को बार बार एक फंक्शन के अंदर ना डालना पड़े ठीक है मैं मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा अगर आपको अगर जैसे लिक्विड पे एक सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो मैं उस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको डिफाइन मैं इसको बेसिकली फिलअप कर दूंगा मैं उसके ऊपर एक वेरिएबल बना के ठीक है ये अब दिखेगा मैं कोड करूँगा तब तो आपको दिख जाएगा बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर ग्लोबली uh, आप लिख रहे हो तो आपको फंक्शन के अंदर इसको बार बार कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है क्लियर ठीक है तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों कोड का सिमिलैरिटी दोनों को एक कोड को यूज करके मैं दूसरा कोड कैसे लिख रहा हूँ ओके okay. तो मेरे पास लेफ्ट साइड में परमुटेशन फंक्शन का परमुटेशन का जो प्रॉब्लम था उसका कोड मेरे पास है लेफ्ट साइड का मैं इसी कोड को यूज करके मैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करूंगा तो मैं पहले मेरा फंक्शन एक डिक्लेयर कर लेता हूँ हेल्पर फंक्शन वॉय हेल्पर इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर मेरे पास एक आंसर है देखिए मेरे को जहां जहां पे वेक्टर इंट जहां जहां पे वेक्टर इंट है मैं उसको स्ट्रिंग लिख दूंगा मैं मैपिंग बेसिकली क्या करूं वेक्टर इंट को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा ठीक है और जो मेरा बेसिकली नाम्स है या फिर जो मेरा नंबर आ रहा है उसको एज ए मैं स्ट्रिंग यूज कर लूंगा ओके बस इतना सा मेरे को चेंज करना है तो देखिए मैं वॉय हेल्पर फंक्शन लिख रहा हूँ वॉय हेल्पर इसके अंदर मेरा जो फर्स्ट आर्गूमेंट होगा Vector, string, and, and, okay? उसके बाद स्ट्रिंग एंड एस स्ट्रिंग एंड एस क्या है इसके अंदर ही बेसिकली मेरा आंसर, uh, मतलब मेरा जो मेन आंसर होगा जो मेरे को रिटर्न करना है पूरा सेट स्ट्रिंग्स का सेट वो मेरा आंसर वेरिएबल होगा और एक एक इंडिविजुअल सेट वो इसमें इसमें स्टोर होगा बेसिकली ठीक है मैं फ्रॉम द मेन फंक्शन मैं इसको एज ए नल स्ट्रिंग पास करूंगा और एक एक स्टेप में जहां जहां पे एक एक कॉल होता जाएगा उसके इसमें ये स्ट्रिंग फिलअप होता जाएगा ठीक है ओके फिर हम देखते हैं कि तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये चीज पता चल गया उसके बाद क्या है वेक्टर इंट एंड नाम्स ओके जिसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कार ले रहा जाऊँ करेंट स्ट्रिंग क्या है देखिए मेरा तो यहाँ पे एक ही वेक्टर था जहां से मैं बेसिकली एक एक हर एक टाइम पे डेटा पुट कर सकती लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मैंने क्या बोला यहाँ पे यहाँ पे हर एक हर एक इंडेक्स के लिए मेरा जो गिवेन स्ट्रिंग है वो चेंज होता जा रहा है वो चेंज होता जा रहा है तो उसी के लिए कौन सा वेक्टर है इसी के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया है ओके उसके बाद बेसिकली इंट एन एकदम एग्जैक्ट इंट एन और इंट कार और और एक एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग डिजिट्स डिजिट्स यानी जो मेरे को गिवन जो डिजिट का स्ट्रिंग दिया गया है प्रॉब्लम

फर्स्ट को फिल फर्स्ट इंडेक्स को फिल करो करके ठीक है तो अगर मेरा तो मेरे को पता है, कि मेरा क्या होता है? चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो वेक्टर हो मेरा इंडेक्सिंग क्या होता है? 0 से n -1 तक होता है अगर इस इंडेक्स का वैल्यू मेरा एन के बराबर हो गया इसका मतलब क्या है मेरा तो स्ट्रिंग अप है मेरे को जो आंसर एक स्ट्रिंग मेरे को मिलना चाहिए वो मेरे को मिल गया तो मैं क्या कह रहा हूँ क्या होगा मेरा आंसर किसमें okay? फिर बस रिटर्न तो ये मेरा बेसिकली एकदम बेस केस हो गया ठीक है उसके उसके बाद उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला कि मेरा हर एक इंडेक्स के लिए हर एक पोजिशन के लिए चाहे इसके, चाहे इसके हो चाहे इसके हो चाहे इसके हो चाहे इसके हो हर एक के लिए मेरा स्ट्रिंग चेंज हो रहा है जहां से मैं एक्चुअली कैरेक्टर्स मैं 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 लूंगा और अपने मेन आंसर पे पुट करूंगा तो मैं पहले वो लिख लेता हूँ

अब मेरे पास स्ट्रिंग होगा सोचिए फोर्थ का कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग जी एच आई ठीक है तो ये जी एच आई मेरे इस कार में स्टोर हो जाएगा क्लियर ठीक है अब उसके बाद सेम फॉर लूप में रन करूंगा कोई यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन देखिए यहाँ पे एन था एन था मतलब एन क्या है मेरा नाम्स का साइज है लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा कर है कार का साइज कभी चेंज हो रहा है कभी थ्री है कभी फोर है तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा मैं इसको कर डॉट साइज लिखूंगा ओके फिर एग्जैक्ट आई प्लस प्लस ओके आई प्लस प्लस लिखने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या वो पोजिशन अप हो चुका है कि नहीं हो चुका है लेकिन ये ये स्टेप मेरे को यहाँ पे यूज इस प्रॉब्लम में यूज़ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा स्ट्रिंग तो ऑलरेडी मतलब एम है मेरा मैं एकदम स्टार्टिंग से फिलअप करते जा रहा हूँ फिलअप करते जा रहा हूँ अगर मैं पर्टिकुलर अगर मतलब इंडेक्स टू में मैं अगर अभी करेंटली इंडेक्स टू में हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मेरा पिछला दो फिल्डअप हो चुका है लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं था यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ रहा था तो इसलिए मैं क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूं कि मेरे को ये स्टेप करने का कोई जरूरत नहीं है मैं डिरेक्टली लिख दूंगा एस डॉट पुजबैक मेरा जो करेंट स्ट्रिंग है उसका जो है वैल्यू कर ऑफ आई क्यों क्योंकि सोचिए कि मेरा ये स्ट्रिंग है तो जी भी तो वहां पे जा सकता है एच भी जा सकता है आई भी जा सकता है तो इसीलिए मेरे को ट्रेवल्स करना पड़ता है ट्रेवल्स करने के लिए ये लूप यूज किया ठीक है तो मैं कर ऑफ आई को पुश कर रहा हूँ उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली ये देखिए ये ये स्टेप मैंने कर लिया इंसर्ट कर लिया उसके बाद मैं क्या करूँ मैं फिर से रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ हेल्पर ऑफ जो जो वेरिएबल है आंसर वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल है और क्या क्या है एस है फिर आपका कर है फिर आपका क्या है एन है उसके बाद इंडेक्स है तो इंडेक्स को मैं क्या करूंगा इंडेक्स प्लस वन मतलब एक इंडेक्स है ये इंडेक्स फिलअप गया अब नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ इंडेक्स प्लस वन और डिजिट्स ठीक है ये हो गया उसके बाद जो मेरा मेन बैक ट्रैकिंग स्टेप है मेरा मेरा ये जो मेरा जो मेन बैक ट्रैकिंग स्टेप है वो बैक ट्रैकिंग स्टेप में क्या लिखूंगा Is. Back. बस इतना, इतना ही है इस प्रॉब्लम का और कुछ नहीं तो ठीक है मैंने क्यों बोला कि ये पूरा एग्जैक्ट सिमिलर कोड है आप ये कोड एक बार रन करके देखिए वन हंड्रेड परसेंट सारे टेस्ट केसेस पास करेगा क्लियर तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा ये जो फिर से मैं बता दे रहा हूँ ये एज डॉट पॉप बैक है यही मेरा बैक ट्रैकिंग स्टेप बैक ट्रैकिंग स्टेप क्लियर तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा आप इस प्रॉब्लम को सम और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इसलिए पहले ही रिक्वेस्ट किया था फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप परमोटेशन वाला वीडियो देखिए फिर आप इस वीडियो पे आइए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि, कि वो कैसे बैक ट्रैकिंग के काम क्या काम हो रहा है एक एक लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी क्या हुआ तो आप हम देख लेते हैं कि इसका टाइम कंपेसिटी क्या होगा टाइम कम्पेसिटी इसका कैसे हम बोल निकाल रहे हैं सोचिए कि यहाँ पे मेरे पास एक लेंथ का कोई भी इन लेंथ का जो स्ट्रिंग होगा तो उस मेरे को क्या करना है वह मेरे को एक जगह फिलअप करना है तो मेरे पास इसके लिए कितना ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन के लिए मेरे पास कितना ऑप्शन है ए बी सी किसी के लिए मेरा क्या हो सकता है किसी के लिए मेरा जो स्ट्रिंग होगा उसका लेंथ मेरा थ्री भी हो सकता है किसी के लिए मेरा स्ट्रिंग चार भी हो सकता है तो मैं मैक्सिमम अगर मैं सोच करूँ तो आंसर क्या होगा फोर फोर टू पावर एन क्योंकि एन सेल्स है ओके okay? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ओ एन ले सकते हैं क्योंकि रिकर्सिव स्टैप का जो स्पेस होगा क्लियर ठीक है ये और आप ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको मैंने थोड़ा जल्दी बोली ये भी आपको समझ में आएगा जब आप ये ये इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पे आएंगे तो अगर हम अपने कोड पे चलते हैं तो अपने कोड पे आ चुका हूँ तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं ठीक है तो सबसे पहले ने क्या बोला मैं ग्लोबली अनऑर्डर्ड मैप को ले लूँगा ठीक है कार कॉमा स्ट्रिंग एम फिर मैं क्या कर रहा हूँ जब भी ये जो क्लास है उसका जब भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी मोमेंट पे ये एम पूरा फिल्ड अप हो जाएगा ओके okay? ये स्टेप को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल फीलिंग स्टेप है और इसमें और कुछ नया है नहीं उतना तो, तो मेरा बेसिकली ये काम हो गया इसके बाद हम देखते हैं कि अपना जो मेन फंक्शन है उसको हम कैसे अपडेट करें फिर इंट इन टू मतलब मैं पहले जो गिवन है उसका साइज मैं ले रहा ठीक है उसके बाद मैं जहां परूंगा एक वेक्टर स्ट्रिंग स्ट्रिंग अच्छा अगर अगर मेरा जो का साइज है अगर वो एक नल स्ट्रिंग हुआ मतलब जीरो हुआ तो उसके बाद एम टी वैक्टर ही रिटर्न कर दूंगा उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ एम टी स्ट्रिंग जिसके अंदर एक एक स्टेप पे मतलब वैल्यूज एंटर्ड होंगे ठीक है फिर मेरा एक स्ट्रिंग कार जो कि मैं एज ए इनिशियलाइज कर रहा हूँ एज ए डिजिट्स ऑफ जीरो करके ठीक है फिर मैं अपना हेल्पर फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ आंसर फिर उसके बाद मेरा क्या जाएगा एस जाएगा फिर कर जाएगा फिर एन फिर जीरो फिर डिजिट्स ओके और एट द एंड मैं रिटर्न कर दूँगा एंसर तो चलिए हम लिखते हैं कि अपना हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं तो वॉय हेल्पर वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड एंसर स्ट्रिंग एंड एस यहाँ पे रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन नेक्स्ट पे आपको रेफरेंस देने का कोई ज़रूरत नहीं है इंट एन फिर इंट इंडेक्स फिर स्ट्रिंग डिजिट्स ओके अब हम अपना बेस केस देख लेते हैं तो इफ़ इंड इक्वल टू इक्वल टू एन मतलब मेरा जो एस है वो फुल हो चुका है अब मैं उसका आंसर पे डाल दे रहा हूँ सर डॉट पुश बैक एस और इसको मैं रिटर्न ओके okay? फिर मैंने क्या बोला कि हर एक स्टेप में मेरा जो करंट स्ट्रिंग है वो चेंज हो रहा है तो एम पी ऑफ डिजिट्स ऑफ आई एंडी ओके फिर मेरा जो सेम एग्जैक्ट फॉल लूप आई लेस देन बेसिकली मेरा जो करंट अभी जो स्ट्रिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरा फॉल लूप रन होगा फिर एस डॉट पुश बैक कर ऑफ आई फिर हेल्पर एन एस एस कार एन आई एन डी प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट पोजिशन पर मूव कर जा रहा हूँ और ये मेरा एस डॉट पॉप बैक मेरा बेसिकली बैक ट्रैकिंग स्टेप तो ठीक है यही मेरा अल्टीमेटली कोड है देखते हैं इसको रन करके क्या हो रहा है okay. तो आप यहां देख सकते हैं कि ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है अब इसको सबमिट करके देखते हैं ओके सो इट इज एक्सेप्टेड होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको एक दो बार ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसका स्टेट स्पेसिफी ड्रॉ करना आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टेप को मैं क्यों कैसे किस लिए दिख रहा हूँ तो ठीक है आज के लिए बस उतना ही है। मिलते हैं थैंक यू